आपकी तबीयत कैसी है? आदत बन रहा है बगैर नमक का। अच्छा। नॉर्मल भी नहीं आता तो बिल्कुल नमक और चिकनाई बनती है, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हूं। घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, ये भी बीमार हो गई, मम्मा भी। कुछ चाहिए तो बताना, सामिया हाजिर है। मेरे दोस्त को ना फॉर्म जमा करवाना था तो उसके पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे बाद जन्म लिया उसने, जब मैं अंकल के पास सोना भी वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारा आज का ब्लॉग भी हमेशा की तरह स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। अभी जो है यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 बजे हैं और बाकी सब जो उस रूम में बैठे हैं, अभी जो है शाम का नाश्ता चल रहा है, वहाँ पे चाय वगैरह पी जा रही है। वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो है अभी नाश्ता चल रहा है, चाय पी जा रही है। हाय मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा हाय बोलती हूँ। और बाबा भी बैठे हैं। बाबा आपकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है पहले से? हाँ, बहुत बेहतर है। अच्छा, अलिया को ज़्यादा पता है, बहुत बेहतर। इधर जो है चाय पी जा रही है और बिस्किट खाए जा रहे हैं। अब मैं भी आ जाऊँ, वरना मेरी बहनें जो है सब कुछ ख़त्म कर देंगी, मुझे खाने नहीं देंगे। तो क्या यार, बताना चाहिए ना, मेरी बहन को मुझसे कितनी मोहब्बत थी, मेरे लिए नीचे बैठ गई और मुझे लगा दी। तो ले लो, मतलब तुम इतनी सुस्त हो, तुम चेयर ला नहीं सकती। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। चलो, तो पापड़ हैं और बिस्किट हैं और ये है, तो अब नाश्ता करते हैं। और ये पढ़ाई कर रही है यहाँ पे बैठ के। आओ, ये तुम क्यों नहीं खा रही? क्या पढ़ाई नहीं कर रही? जो नाश्ता वगैरह करके फ्री हुआ हम यहाँ पे, और अब जो है यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है। क्या बना रही है अभी? मैं आपको बोलने वाली थी हाय मम्मा, हमेशा आके बोलती हूँ ना, तो वो बाबा के लिए अलग बन रहा है बगैर नमक का। अच्छा, बाबा को नमक अब बिल्कुल बंद? अभी फिलहाल तो जब तक के नॉर्मल भी नहीं आ जाता तो बिल्कुल नमक और चिकनाई बंद की है, तो नमक और चिकनाई बिल्कुल नहीं डाली है। फीका फीका खाने खा रहे हैं बेचारे। कैसे खा रहे हैं आप फीका खाना? हाँ, फीका खाना तो मुझसे तो कभी भी ना खाया जाए, लेकिन जाहिर है जब अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फिर। तो इसलिए जो है बगैर नमक का बाबा के लिए बना रही हूँ। और हमारे लिए क्या बन रहा है? चिकन कढ़ाई हो गई। कढ़ाई बना रही हैं आप? तो चार गोश बना रही थी। ओके, तो यहाँ जो है अभी बाबा का बन रहा है। बाबा के लिए क्या बन रहा है? चिकन में टिंडे डाले, टिंडे चिकन और हमारा कढ़ाई। ओके, बाकी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ जो है ये सोनिया कुछ पढ़ रही थी लेकिन हाथ में मोबाइल लेके बैठी हुई है, मैं समझी पढ़ रही हूँ। हाँ, मगरिब की अजान भी होने वाली है, शाबाश, अच्छी बात है, ये सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अभी मगरिब की अजान होने वाली है, मगरिब की अजान का वेट कर रहे हैं हम लोग। और सामी और जो है अलिया दोनों पर पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं है, ये बाहर आए थे मुझे देख के फिर अंदर चले गए, शर्मीले बहुत ने मैं। तो चलते हैं ऊपर, दोनों को भी देख कर आते हैं, क्या करिए, बुला कर आते हैं। याद करने के लिए भेजा था, वैसे अजीब है, नीचे याद होते नहीं है, छत पर याद होता है, अजीब। तो देखते हैं क्या पर जाऊँगी, दोनों बोलेंगे देखा हमारे बेटा रह नहीं सकते, आ गई इसमें ऊपर, देख पता चल गया ये यहाँ पे खड़ी हुई है। क्यों आई हूँ, क्यों आ सकती हूँ, है क्यों आ सकती हूँ, है ना। अब बोलेंगी देखा हमारे बगैर दिल नहीं लगा तो ऊपर आ गई, और याद तो बिल्कुल नहीं, कॉपी रह पड़ी है उधर, एंजॉय हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ था, कैसे फट रहे ना, दिखाओ यार, तो वो ड्राई स्किन हो रही है ना इसलिए, फिर भी ऐसे हो रहे हैं। कितना याद हो गया ये बताओ बस? एक शादी हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, बल्कि तीन हो गई है, बल्कि एक तो नाइन्थ थी वो हो गई। हाँ, दो हेडिंग हो गई है, अब तीसरी याद करी वो हो जाएगी अभी मगरिब तक। मैं आपको मगरिब होने ही वाली है बस। और उसको देखें, वो वहाँ बैठी है, कॉपी यहाँ रखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे याद हो रहा है। मुझे अच्छा हो रहा है, रात में ना, कल रात में बारिश हो रही थी, तो पर कल रात में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अभी भी इतनी नहीं है लेकिन कल रात में बहुत थी। बस मैं आप लोग को ना बुलाने के लिए आई थी, चलो नीचे आ जाओ, अजान होने वाली है वैसे भी मगरिब की, और अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ दोनों, मैं नीचे ही जा रही हूँ वैसे। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही? नीचे जाओ। अभी जो हम नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए, यहाँ पे अभी मगरिब की अजान हुई थी, और अब जो ये इनको लेके बैठे हैं पढ़ाई के लिए बैठ गए, यहाँ पे ये भी पढ़ने के लिए बैठ गए, अब इनको पढ़ाते हैं। अब जब तक इनके पेपर चल रहे हैं, जब तक जो है आपको ब्लॉग में यही दिखेगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम मेरा जो है ना परेशान हो गए सच्ची, बस देखें आप बस कितना
इतना मुझे रुकना पड़ता है व्लॉग्स बनाने के लिए सिर्फ इनकी वजह से। मैं अपने घर के किसी भी कोने में चली जाऊँ ना, इनकी आवाज़ें आना नहीं बंद हो सकती, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ सीरियसली। लेकिन क्या करें, बस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहाँ पे ना घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, ये भी बीमार हो गई, मम्मा भी बीमार है, सब बीमार है, इनको लेके चलो। ख्याल करो बहन का। और अभी तक खाने लग गया है। खाने में क्या है, खाने में मम्मा ने बनाई है कढ़ाई और सैलेड इधर, और मम्मा ने पूरियाँ बनाई है उसके साथ, और ये बाबा का परहेजी खाना। ओके, बिठा दिया, एवरीथिंग इज ओके। कुछ कुछ चाहिए तो बताना, सामिया हाजिर है। टोपा शोपा पहनाओ बेचारी को, लग गई। कोई बात नहीं, दुआ मांगो तो कबूल हो जाती है। घुटने भी यहाँ लगी, यहाँ नहीं। अच्छा चलो सही, अब यहाँ पे खाने लग रहा है। और जी जी, पानी वाटर लेकर आए हमारे लिए, और जो है ना वो भी लेकर आए। एक्सक्यूज मी वेटर, प्लेट्स नहीं आई है प्लीज, और पानी जरा ठंडा लेकर आइएगा। ओके, जाए अभी इधर से, आप चले, आप अंदर बैठे। अरे मॉम भी आ गई हमारी, और यहाँ पे मैक्रोनी भी है, और इसके साथ ये रोटीज आ गई। चले अब खाना खाते हैं। शाबाश, डैडी का है, बुला के लाए। लो खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हुए यहाँ पे, और ये मैडम तशरीफ लेकर आ गई है। और ये था कि कल जो फॉर्म, पहले मैं बता दूं किस बारे में बात कर रही है यहाँ पे। पहले आप बताएं किस बारे में बात कर रही है आप यहाँ बैठ के। मैंने इसके हाथ में देखे 100 रुपए, मैंने तो 100 रुपए की चीज मंगवाती है, मैं अगर इतने पैसे जमा करती ना, मैं आज अमीर होती। तो फिर ऐसे तो मैं मंगा लेती हूँ, अभी मिल जाते 100 रुपए, लेकिन आज मुझे इत्तेफाक से मिल गया। इत्तेफाक क्यों? इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कल मेरी फॉर्म, मेरे दोस्त को ना फॉर्म जमा करवाना था, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे जो है मेरी मम्मा से लिए, तो आज उसने मुझे वापसी कर दी। तो तुमने अपनी मम्मा को नहीं दी? यार कितनी चल्ला के कसम से ये। अब मैं मेरा मसल अपना पैसे पैसे पर ला, मुझे तो मेरे थे, मैंने अब तो मेरे हो गए। वाओ ये सही है यार, इत्तेफाक से मिल गए पैसे इन्हें। आज ही खा लूंगी, कल वापसी का ले ले। हाँ सही करा बिल्कुल, इसलिए हामियों को इतनी हंसी आ रही है यहाँ पे बैठ के इसकी बातों पे। खैर आप चीज लेने जाए, आप चीज लेने जा रही थी। लड़ाई चल रही है। किससे लड़ाई चल रही है? पिंटू से, मेरे पिंटू से। ये पिंटू नहीं है, पिंटू तो गया हुआ है। स्वीटी है मेरी। नहीं वो धुलने भी नहीं गया हुआ, कबर में पड़ा हुआ है। अच्छा कबर, नहीं नहीं अल्लाह ना करे। कितने साल पुराना वो वाले घर से चले, मतलब 20 साल तो हो ही गए होंगे। 20 साल भी नहीं हुए होंगे, पागल हो। 20 साल 20 साल की मैं हूँ यहाँ पे, 20 साल हो गए होंगे। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए होंगे। हाँ कितने साल? हाँ इतने तो हो गए होंगे। तुम्हारे बाद जन्म लिया उसने, जब मैं होंगी 5 साल की। हाँ इतनी सी थी ना, तो बहुत अच्छी थी। अच्छा आपको, आपने गाने सॉन्ग वगैरह याद कर लिया? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, हाँ इसकी धूम मुंह में ले ली। हाँ आपने सॉन्ग वगैरह याद कर लिए? चलो सही है, ठीक है, डन हो गया। अच्छा आइडिया, हम करते हैं। वाओ वाह, पूरी रात बैठ के ये सोच रही थी। नाइस। आज जो है ना घर में सब बीमार पड़े हैं, मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो अभी जो है सो गई है यहाँ पे, और जो ना बाकी ये भी थोड़ी थोड़ी बीमार हैं, बाबा भी बीमार हैं, बस सामी और मैं सही हैं यहाँ पे, बस हम बीमार ना हो, है ना। ये अभी बीमार लग नहीं रही अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले बीमार हो गई थी, तुम्हें देख के सही हो गए। हाँ आप ठंडे तो क्या हुआ, वॉल्स वाला का वफन नहीं है। ठंडे तो क्या हुआ, ठंडे तो क्या हुआ, सही सही सही। चौबल आ जाना, मैं 30 साल इसको ठीक है, बाकी ये है कि एक थ्री जो जो ब्लॉग सब सामान मेरे पास है। सही है, इधर सुनो इधर सुनो, बड़ी बहन भी बैठी हुई इधर। कभी जिंदगी में कोई चीज अपने पैसों के लिए खिलाई? आज तुम खिला दो ये। हाँ आलिया नहीं खिलाई है, तुमने कभी नहीं खिलाई, तुम जो है ना आज कुछ खिला दो बस। आज पैसे नहीं, आज ही सबसे ज्यादा पैसे 100 रुपए, रोज 50 मिलता है, 100 मिले। रोज 50 भी नहीं मिलते, इतने दिनों से नहीं मिल रहे थे। रोज 50 भी नहीं मिलते तो कितने मिलते? मैं रोज खाती नहीं चीज, कभी कभी जब भी तो 100 रुपए मिल जाते हैं, हम तो रोज खाते हैं, कभी कभी। तो उसको क्यों बता रही है? रोज 100 रुपए बेचारी बच्चे बोली चीज का बता दो, बता ही नहीं रही। काउंटिंग कर रही है, 8 रुपए वो भाई 40 के हुए, 40 के ना 60 रुपए बचेंगे ना। एक रेड वाला बल्ले बल्ले लिया ना, 10 वाला
ये इतने बड़े बड़े होके यहाँ पे चीजें खाते हैं। चलो मतलब क्या पैसे उंगलियों पे जो ना हिसाब लगा रहे। यार पता है मैंने अपने नेल्स कट कर लिए, मेरे सारे नाखून भी टूट गए थे गाइस, आप सब देख सकते हैं कैसे मेरे हाथ कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं आप, है ना। धूम लटक रही है तो नहीं इतने भी कोई नाजुक नहीं है तो नहीं लगा चेक करी थी। या सुबह सब जो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं और आई होप कि आप सब लोग ने एंजॉय करा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर चलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, शट अप, फिर चलते हैं चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।